देखो गाइस, अभी भी टाइम है, तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकते हो। राखी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे इस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना। हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा नहीं जा रहा, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। तेजस, तू तो समझदारी दिखा यार, मैं तेरे दोस्त हूँ, उसी के नाते कह रही हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को अभी भी टाइम दे सकते हो। अरे नहीं देना यार टाइम, मैं अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। हाँ तो मुझे भी तुमसे छुटकारा चाहिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम। हाँ तो तुम भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं हो। अरे एक मिनट गाइस, थोड़ा तो मैच्योरिटी दिखाओ। ऐसा भी क्या हो गया है जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते हो तुम लोग? राखी, तुम डिवोर्स पेपर पर साइन लो और ये मामला यहीं खत्म करो। अब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए। अरे मेरी बात तो सुन। नहीं राखी, अब कहने और सुनने को कुछ भी नहीं बचा है। तुम प्लीज जल्दी पेपर पे साइन कराओ और ये मामला यहीं के यहीं खत्म करते हैं। ठीक है भाई, अब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है कि डिवोर्स लेना है, तो लो भाई डिवोर्स लो। ये लो साइन करो। जी कहिए। रिया श्रीवास्तव यहीं रहती हैं? जी हाँ, मेरी वाइफ हैं, बोलिए। जी उन्होंने बुलाया था मुझे। हाँ मगर किस काम के लिए? डिवोर्स के सिलसिले में उन्हें कुछ बात करनी है। जी आप बुला देंगे? रिया, तुमने लॉयर बुलाया है? हाँ। रिया मैंने सॉरी बोला ना, और कल रात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब शर्मिंदा होने से क्या होगा, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगी। रिया, रिया I'm really sorry, और मुझे मालूम है मुझसे गलती हुई है, मैं से कब वो गलती कभी नहीं होगी जिंदगी में, प्लीज रिया। ये बात तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोचनी चाहिए थी। रिया मेरी बात तो सुनो। हेलो सर। हाय रिया जी। बैठिए सर। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जी वो बस अभी आ रहे हैं। हाँ तो रिया जी, आपको डिवोर्स क्यों चाहिए? मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। हाँ नहीं रहना वो मुझे पता है, पर क्यों नहीं रहना? क्योंकि इसने मुझ पर हाथ उठाया है। हाँ ये एक वैलिड रीजन हो सकता है डिवोर्स लेने के लिए। सर आपका रीजन जान सकता हूँ मैं, आपको डिवोर्स क्यों चाहिए? मेरा कोई रीजन नहीं है। मतलब? मतलब कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, इसे चाहिए। मैं मानता हूँ कि कल रात मुझसे गलती हुई और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ, और मैं कल रात से इसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर यह कि मान ही नहीं रही है। रिया, रिया प्लीज़ आइंदा मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो ना रिया, प्लीज़। शेखर प्लीज़ ये नाटक मत करो, तुमने जो किया उसकी सज़ा यही है। क्या सज़ा दोगे यार तुम? हाँ इससे अच्छा तो फिर मारी दो। और ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? सर मेरा एक भाई है, वो मुसीबत में है, और जो मेरी सेविंग थी वो मैंने उसको दी है। अब आप एक बात बताइए, आपका भाई अगर कभी मुसीबत में आएगा तो आप पैसे नहीं दोगे? सर सर एक मिनट, पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, और पूरी बात बताइए कि क्या बात है।
बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझसे एक भी बार बात करना जरूरी नहीं समझा? तुमसे पूछता तो तुम मना कर देते। क्या मना कर देती? तुमने इतना बड़ा अमाउंट उठा के अपने भाई को दे दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। उसको जरूरत थी। मुझे भी जरूरत है, लाओ दो 2,00,000 रुपए। शेखर वो सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं था, उसमें मेरी भी सेविंग्स थी। रिया वो थोड़े टाइम में वापस कर देगा। वापस कर देगा माय फुट? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा पैसा कैसे दे दिया? रिया समझने की कोशिश करो, मेरा भाई मुसीबत में है, वो बाद में दे देगा। तुम्हारा भाई जाए भाड़ में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और तुम लाके दोगे? रिया थोड़े वक्त की बात है, थोड़ा तो मैच्योरिटी लेवल दिखाओ, वो कर देगा वापस। मुझे कुछ नहीं समझना, तुमको मदद करनी थी तो तुम अपने पैसों से करते, तुमने मेरा पैसा क्यों उठा के दिया? मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए बस। रिया तुम्हारा पैसा? कल तक हमारा पैसा था, आज तुम्हारा हो गया। हाँ मेरा पैसा, मैंने अपनी मेहनत से अपनी जरूरतों को मार करके वो पैसा जोड़ा था, इसलिए नहीं कि तुम एक दिन सारा पैसा उठा के अपने भाई को दान में दे दो। दान में नहीं दिया यार, जरूरत थी और वो कर देगा वापस। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। रिया थोड़ा तो समझने की कोशिश करो, थोड़े वक्त की बात है बस। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम पे और तुम्हारे भाई पे चोरी का केस कर दूंगी। What? Are you mad, Ria? Yes, I am mad. और अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं खुद तो पागल हो जाऊंगी, साथ में तुम्हें भी पागल कर दूंगी। रिया रिया थोड़ा तो मैच्योरिटी लेवल दिखाओ यार, वो थोड़े दिनों में वापस कर देगा, वो बोल तो रहा है। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? You will pay for this. तो सर आपने अपने भाई को कितने पैसे दिए हैं? 6,00,000। उसमें रिया जी के कितने? 2,50,000। तो मतलब 2,50,000 के कारण ये सारा फसाद शुरू हुआ है, वरना उससे पहले सब कुछ बढ़िया था। जी Am I right, रिया जी? जी सर। रिया जी उनके भाई आपके क्या लगेंगे? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब घर वाले? जी। तो जब घर वाले मुसीबत में होंगे तो उनकी मदद घर वाले ही करेंगे ना? हाँ करेंगे, पर इनको अपने पैसे देने चाहिए थे ना, इन्होंने मेरे पैसे क्यों उठा के दे दिए? तो उन्होंने पैसे जो उठा करके दे दिए हैं तो अब वापस वो नहीं आएंगे? पता नहीं सर, वो दे देगा, उसने 2 महीने का वक्त मांगा है, वो 2 महीने में वापस कर देगा। और अगर नहीं दिया तो? तुम लड़ने जाओगे उसके पास? वो दे देगा सर, वो दे देगा सर, मेरा भाई है, मैं जानता हूँ उसको। और अगर नहीं दिए तो? तो मैं लाके दूंगा, 2,50,000 रुपए मैं लाके दूंगा 2 महीने के अंदर, चाहे जैसे तैसे। और वो 3,50,000 वो कौन देगा? वो तो मेरे है ना। तुम्हारे है? वो हमारे है, हमने अपनी मुसीबत के लिए जोड़ के रखे थे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गोली मारिए 3,50,000 और 2,50,000 को। मेरे पास एक सॉल्यूशन इस चीज के लिए। एक रिया जी ये लीजिए, लीजिए रिया जी। सर इसका क्या करूं? रिया जी सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ कड़वा खा लेते हैं या तीखा खा लेते हैं तो हमारे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उस मुंह के टेस्ट को ठीक करने के लिए हम चॉकलेट खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह का टेस्ट ठीक हो जाता है, मानते हैं? तो मेरे जीवन का फंडा ये है कि जब भी आपके रिश्ते में कड़वाहट आने लगे तो आप एक चॉकलेट लेकर के अपने पार्टनर को दीजिए और उसको उस बात के लिए थैंक यू कहिए जो उसने आपके लिए अच्छा किया, और 5 मिनट में आप देखिएगा आपके रिश्ते की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। तो शुरू करें? रिया जी आपसे शुरू करते हैं। मुझे नहीं करना। रिया जी एक बार ट्राई तो कीजिए। नहीं मुझे नहीं करना। सर आप
थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए, थैंक यू मेरे जिंदगी में आने के लिए, थैंक यू इस पत्थर के मकान को घर बनाने के लिए, थैंक यू मुझ जैसे जानवर को इंसान बनाने के लिए, थैंक यू मुझ जैसे अनहाइजीन के साथ रहने के लिए और मेरे सिगरेट के धुएं को झेलने के लिए। प्रिया, आई लव यू। थैंक यू मेरा गुस्सा झेलने के लिए, थैंक यू मेरी बदतमीजी झेलने के लिए, और थैंक यू मुझे अनकंडीशनल लव करने के लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, और तुम चिंता मत करो, मेरा भाई 2 महीने में पैसे वापस कर देगा। वो कोई बात नहीं, वो अपने घर के ही हैं और वो मुसीबत में थे, तो हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ। मुझे लगता है मेरी जरूरत यहाँ पर नहीं है। गेट उधर ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी सर, आप तो लॉयर हैं और आपका बिजनेस तो इसी बात पर टिका है जब कपल डाइवोर्स ले, तो आपने हमारी सुलह क्यों करवाई? रिया जी, कभी कभी बिजनेस से बड़े इंसानियत होती है। जब मैं आपके घर आया और पूरी बात सुना तो मैं समझ गया कि एक छोटी सी लड़ाई है जो डिवोर्स तक आ गई है, और अगर मैंने इसमें आग में घी का काम किया तो एक कपल अलग हो जाएगा, और ये मैं अपने जीवन में दोबारा नहीं कर सकता। दोबारा मतलब? रिया जी, कुछ समय पहले सेम ऐसी सिचुएशन एक कपल की जिंदगी में आई थी, पर वहां पर कपल ने समझदारी नहीं दिखाई और एक छोटी सी नोक झोंक डिवोर्स में बदल गई। किसकी नोक झोंक सर? मेरी और मेरी पत्नी। रिया जी, उस रात अगर मैंने भी समझदारी दिखाई होती तो आज हम साथ होते। उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड किया कि कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लूंगा और ना किसी को लेने दूंगा। रिया जी, बड़ी से बड़ी लड़ाई एक छोटे से प्यार के जेस्चर से ठीक हो सकती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा।